हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। और आज मेरे फेस बहुत ज़्यादा बेकार लगने लगा, देख सकते हैं आप। तो हम घर में, जैसे कि अगर पार्टी में जा रहे हैं या फिर कहीं भी बाहर जा रहे हैं और हमारे पास कुछ ही सामान है, थोड़ी बहुत सामान है, तो हम उसमें भी अपना फेस को क्लीन कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट होता है हमारी एयर ब्रो। अगर हमारी एयर ब्रो पहले अच्छे से सेट हो, बनी हो, तो हमारा फेस और अपने आप ही ग्लो करने लगता है। और सब करने लगा तो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अपनी एयरब्रो बना रही हूँ। एयरब्रो बनाने के बाद फिर मैं अपना जो भी घर की चीज़ों से ही हम अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। दरअसल मैं अपना फेसियल किट अपने ससुराल में ही रह छोड़ गई थी। थोड़ा सा पाउडर लगा रही हूँ ताकि अच्छे से मेरे एयरब्रो बन जाए। बाल गले की वजह से थोड़े निकल गए थे, तो मैंने अभी पाउडर यूज़ किया है। अब मैं अपने एयरब्रो बनाऊँगी उसके बाद। फ्रेंड्स, तो मैं अपना फेसियल किट घर पे वो लाई थी और मुझे यहाँ कंजन मास्क नहीं है। मेरा फेस बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था, डल हो गया था। तो मैंने सोची कि थोड़ा सा अपने फेस की क्लीन करूँ। तो मैंने सोची मैं ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो फिर मैंने सोची मैंने इस पर बना ली वीडियो। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा साफ हो जाता है फेस, बहुत अच्छा दिखने लगता है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं एयरब्रो मेरी बन चुकी है और फेस को सबसे इम्पोर्टेंट हमारी एयरब्रो होती है। तो एयरब्रो बन चुकी है और मेरा फेस भी आप देख सकते हैं पहले का है। अभी मैंने कुछ भी फेस पर नहीं किया है, जो एयरब्रो बनाई है। उसके बाद ये जेवर का फेस नहीं है, इससे मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी। सबसे पहले हमें क्लीजिंग मिक्स यूज करना चाहिए। अब क्लीजिंग मिक्स में गुलाब जल डाल लें। अगर गुलाब जल ना हो तो आप टोनर भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास गुलाब जल नहीं था, मैंने टोनर यूज किया है। टोनर से सबसे बेस्ट होता है। और पूरे मेक वगैरह में टोनर यूज कर रहे हैं और अच्छे से चेहरे पर, तो चेहरे पर सारे डर्ट खोल देते हैं, जो सब बैठा होता है उससे क्लीन हो जाएगा। करने के बाद टोनर में कौन सा मिक्स करके इस फेस पे अप्लाई करें। उसके बाद क्लीजिंग करने के बाद एक कॉटन में पानी
पानी से इसके फेस को क्लीन ना करें, उसके हमें चाहिए कॉटन लेने के बाद कॉटन से पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करें, ताकि सारे जो नेल वगैरह डब्बे वगैरह बैठा है उस क्लीनिंग मिल्क में या फिर जेल में आप ब्लैक हेड्स निकाल सकते हैं। स्क्रब में कभी ब्लैक हेड्स नहीं निकालते हैं, तो या तो आप ट्रीटमेंट करें तब आप ब्लैक हेड्स निकाल सकते हैं, या तो फिर बाद में तो जेल के टाइम। तो मेरे पास तो फिलहाल मैं अपना फेसियल किट घर पे भूला हूँ ससुराल में, अभी तो ऐसा अपने अर्जेंट है तो जन्माष्टमी है तो फेस पे थोड़ा भी अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए मैं घरेलू ही फेसियल से घरेलू चीज़ों से जो मैं लेके आई हूँ उन चीज़ों से मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी, एक कारण से अच्छे से अपने फेस को पूरा क्लीन करूँगी। देख सकते हैं आप मेरा फेस क्लीन हो गया है और कितनी ज़्यादा गंदगी नहीं निकली सिर्फ क्लीजिंग मिल्क से, बहुत चेहरे पे हमारे कितना ज़्यादा मैल हो जाता है, इसी वजह से हमारे पिंपल्स वगैरह होने लगते हैं। फ्रेंड अब हमें आलू भी होता है घर में ही मिल जाएगा, आलू को अगर आप फ्रूट में डाल के अगर चेहरे पर यूज करें तो बहुत ज़्यादा भी आता है, आलू वैसे भी आलू लिए करेंगे। फ्रेंड्स मैंने आलू लिए आलू को अच्छे से तो फ्रेंड्स आलू घसने के बाद अब मैंने टमाटर लिया है, टमाटर जो अगर आपके पास नींबू हो तो आप आलू और टमाटर के पहले नींबू को अप्लाई करें फेस पे, मेरे पास नींबू नहीं था इसलिए मैंने नींबू नहीं लगी, अगर आपके पास नींबू हो तो आप पहले नींबू लगाएं उसके बाद आलू और उसके बाद टमाटर यूज करें, तो नींबू जो होता है वो बीज का काम करता है तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा ग्लो आता है। तो फिर उसके बाद मैंने टमाटर यूज़ किया है, टमाटर से भी हमारे को बहुत अच्छा निखार आता है हमारे चेहरे पर, मेरा चेहरा भी बहुत बेकार हो गया था, मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं की थी अपने फेस पे, तो मैंने अब टमाटर यूज़ कर रही हूँ। जब भी कोई चीज़ यूज़ करें तो आप मेक वगैरह में हर जगह लगाना, बच जा गया था थोड़ा तो मैंने अपने हाथों में भी लगा लिया, तो इसलिए भी कॉटन से फेस सही है अच्छे से फेस पे, जो पानी जब तक यूज ना करें तो यूज़ करिए, ये मेरा स्किन हैवी उठ गए
अगर मैंने फंसे के खाई थी मैं फंसे थी, लेकिन अगर आप मैं काफ़ी फंसी कितनी हूँ तो आप ये सब चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बस एवरेज कर सकते हैं तो आप चावल को भिगा के उसका मतलब पीस के उसे दूध में मिक्स करके भी आप इसका बना सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा फ्रेंच ग्लो आता है। तो मुझे घर वाले चीज़ें भी कहते हैं, तो अगर आपके पास क्लीजी मिल्क ना हो तो आप मिल्क को क्लीजी मिल्क कर सकते हैं मिल्क से, और उसके बाद आप नींबू अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आलू या फिर टमाटर, और उसके बाद जब स्क्रब अगर आपके पास ना हो तो आप इसको चावल का बना सकते हैं, उसे पीस के दूध में मिक्स करके उससे भी आप इसको कर सकते हैं। मेरे पास स्क्रब था एवरेज का, तो मैंने सोची यूज़ कर ली जब तक। अगर आपके पास ना हो, आपको अर्जेंट जाना है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं चावल को, उससे भी बहुत अच्छा ग्लो आता है फ्रेंड्स। तो अभी इसमें स्क्रब कर रही हूँ। स्क्रब के टाइम आप हल्का हाथ यूज़ करें, कॉटन को जब पोंछ रहे हैं तो बिल्कुल हल्के हाथ से पोंछें, वरना आप इसे वरना दिक्कत हो सकती है इस पर, इसलिए आप इसे बहुत स्क्रब यूज़ करें तो इसे हल्के हाथ से पोंछें। फ्रेंड्स अब मैंने पैक बेसन और दूध जो मिल्क है इसे मिक्स करके मैंने अपना फेस पैक बनाया है, तो मैं अब इसे अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। जैसे हमारे फेस के लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इससे हम आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे आइस वगैरह सब के ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे से अप्लाई करें, हमने भी इसे यूज़ किया है, मैंने शुरू में लगा लिया था और हमने आइस वगैरह सब में लगा लिया है। फेस को क्लीन करना कर देख सकते हैं, मेरा चेहरा कितना ग्लो कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को जरूर जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।